कोंडागांव में वाहनों की चेकिंग के दौरान पुलिस ने अवैध गांजा ले जा रहे 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिसमें एक महिला भी शामिल है। पुलिस ने आरोपियों के पास से लगभग 52 किलो गांजा बरामद किया है, जिसकी कीमत तकरीबन 2.5 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस को मिली जानकारी के मुताबिक आरोपी नक्सलियों के गांजे की सप्लाई किया करते थे, और आपको बता दें कि पुलिस ने इससे पहले भी एक गांजा तस्कर को गिरफ्तार किया था। लगातार ये सूचना मिल रही थी कि कोंडागांव रास्ते होकर के उड़ीसा के जो गांजा सप्लायर्स हैं वो अपना माल जो है वो इंदौर, दिल्ली, राजस्थान इन जगहों पर भेज रहे हैं। तो इस सूचना पर पुलिस का सूचना तंत्र है उसे मजबूत किया गया, और जो कई बरामदगियां हुई हैं जिसमें कि आज ये 17 क्विंटल जो आप देख रहे हैं इंदौर जा रहे थे गांजा, ये सब मिले हैं। 3 दिन पहले इलाहाबाद जा रहे गांजे को पकड़ा गया।